इंदौर के सर सैयद हुकुमचंद अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। समय पर डॉक्टर न मिलने से मरीजों को यहां परेशानी तो होती ही है, साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी यहां सोनोग्राफी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अस्पताल के लिए नियुक्त कायाकल्प अधिकारी ने जब आकस्मिक निरीक्षण किया तो यहाँ कई और समस्याएं भी सामने आई। इसके साथ ही अब कायाकल्प अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इस अस्पताल में व्यवस्थाओं के लिए क्या सुधार किए जाएं, इसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में सुधार के लिए नियुक्त किए गए कायाकल्प अधिकारी लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। शासकीय सर सेठ हुकुमचंद अस्पताल के लिए नियुक्त किए गए कायाकल्प अधिकारी अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो कई डॉक्टर्स नदारद मिले। अस्पताल के प्रभारी भी अवकाश पर थे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड लेने के साथ ही उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों से भी चिकित्सीय सुविधाएं समय पर और उचित तरीके से मिल रही हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी ली। अस्पताल में महिलाओं के लिए बनाए गए शौचालयों पर ताला लगा होने पर अपर कलेक्टर ने जब स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि आम पब्लिक के लिए बनाए गए शौचालय डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए आरक्षित किए गए हैं। आम जन के लिए एक दो शौचालय खुले भी हैं तो उनमें या तो यूरिनल पॉट ही गायब है या फिर उन्हें अटाला घर बना रखा है। मोटे तौर पर कुछ चीज़ें जो खटक रही है, खासकर महिलाओं के बाथरूम की स्थिति है, और ये भी मुद्दा सामने आया था कि जो छत है उसका पानी भर गया था, वो दूसरा मुद्दा है। तीसरा, जो अस्पताल में भीड़ भड़का है और यहाँ कहा गया है कि कुछ कर्मचारियों को दूसरी अस्पतालों में अटैच किया गया है, कुछ नर्स है, कुछ और कार्यालयीन स्टाफ है, वो वाली चीज़ सामने आई है। बाकी यहाँ सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ तो कुछ बेहतर नज़र आई है। खासकर एक चीज़ जो सोनोग्राफी वाला है कि सोनोग्राफी का मशीन होने के बावजूद यहाँ सिर्फ 2 दिवस किया जाता है, और जो ओपीडी के डॉक्टर है आज 2 थे। ओपीडी में डॉक्टरों की संख्या अधिक होना चाहिए, और जो सोनोग्राफी वाले डॉक्टर है वो उनका काम सतत रूप से सोनोग्राफी ही होना चाहिए, उनको ओपीडी का नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसमें क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है और इसको लेकर चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें। हाँ, ये आश्चर्य हमें भी हुआ क्योंकि एक बड़ा भारी वर्ग एक डॉक्टर के लिए बैठा हुआ है और एक दूसरे डॉक्टर के पास मरीज नहीं है। ये क्या कारण, क्या कैसी क्या चीज़ें हैं, इसको भी देखने समझने की ज़रूरत है। इस अस्पताल में सबसे बड़ी परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। अस्पताल में एक ही सोनोग्राफी मशीन है, उसकी भी सुविधा सप्ताह में 2 दिन ही मिलती है। माना जा रहा है कि अस्पताल में डॉक्टरों के नदारद रहने के मामले में भी संबंधित डॉक्टरों को नोटिस थमाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।